भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, जिन्होंने 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया था, अब जल्द ही युवराज अपनी जीवन कहानी की बायोपिक में एक नई पहचान के साथ नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि युवराज सिंह ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि उनकी बायोपिक में वो विक्की कौशल को मुख्य भूमिका के लिए देखना चाहते हैं। ये घोषणा क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री दोनों के लिए ही एक बड़ी खबर है, क्योंकि विक्की कौशल का टैलेंट और युवराज सिंह के जीवन का स्ट्रगल एक साथ मिलकर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को जन्म देंगे। विक्की कौशल की बात करें तो विक्की कौशल ने अपने करियर के शुरुआत से ही दर्शकों और आलोचकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। अब इस नए प्रोजेक्ट में विक्की कौशल अपना टैलेंट और भी अच्छे से दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि विक्की कौशल की फिल्में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, संजू और राजी मसान जैसे सफल प्रोजेक्ट्स में अब एक और बड़ा नाम जुड़ने वाला है। आपको बता दें कि युवराज सिंह के जीवन के स्ट्रगल और उनके संघर्षों को सही तरीके से पेश करने के लिए युवराज ने विक्की कौशल का नाम लिया है। युवराज सिंह की जीवन यात्रा काफी अबनॉर्मल रही है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का सामना भी शामिल है। उनका जीवन एक मोटिवेशन का सोर्स है, जिसने उन्हें न केवल क्रिकेट के मैदान पर बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी पार करने की क्षमता दी है। युवराज सिंह की कहानी में उनकी कठिनाइयों, उनकी जीत और उनके स्ट्रगल की कहानी को पर्दे पर उतारना एक काफी चैलेंजिंग काम होगा। युवराज सिंह ने कहा है कि मुझे विक्की कौशल को इस भूमिका में इसलिए देखना है क्योंकि वह एक बेहतरीन अभिनेता है और उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे कैरेक्टर को काफ़ी जीवंत रूप में पेश कर सकते हैं। विक्की कौशल ने भी इस भूमिका को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट व्यक्त किया है। उन्होंने बोला है कि ये मेरे लिए काफ़ी प्राउडफुल मोमेंट है, मुझे युवराज सिंह जैसे दिग्गज क्रिकेटर इतना काबिल समझते हैं, उनका जीवन और करियर मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। आपको बता दें कि इस बायोपिक के लिए युवराज सिंह ने कई पर्सनल इंसिडेंट्स को शेयर किया है, जिनमें उनके क्रिकेट करियर की प्रमुख इंसिडेंट्स, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी बीमारी का चैलेंज शामिल है। फिल्म की कहानी युवराज सिंह के लाइफ की स्ट्रगल को दिखाएगी, जिसमें उनके परिवार, दोस्तों और उनके साथ काम करने वालों की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। युवराज ने बोला कि मुझे खुशी है कि मेरे जीवन की कहानी को मुझे पर्दे पर देखने का मौका मिलने जा रहा है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले साल इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू की जा सकती है और दर्शकों को इसके रिलीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। युवराज सिंह और विक्की कौशल के इस मिलन ने एक नई उमंग और उत्साह का संचार किया है। ये बायोपिक न केवल युवराज सिंह के जीवन की कहानी को दर्शकों तक पहुंचाएगी, बल्कि विक्की कौशल अगर इस फिल्म के लिए सेलेक्ट होते हैं तो उनकी एक्टिंग स्किल्स को भी ये फिल्म एक नया आयाम देगी। इस फिल्म की सक्सेस निश्चित रूप से एक प्रेरणा बनेगी और क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री के प्रेमियों को एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।